सो पिछली वीडियो में हमने कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की डेफिनेशन को पढ़ा था और हमने पढ़ा था परसेप्चुअल प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को। तो आप में से जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को जाके जरूर देखिए ताकि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ जाए। और अगर आपने वो देख ली है तो लेट्स स्टार्ट विद द मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। सो देयर आर टू सब कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, दैट इज ट्रेडिशनल मॉडल एंड कंटेम्पररी मॉडल। ट्रेडिशनल मॉडल के अंदर आते हैं इकोनॉमिक मॉडल, लर्निंग मॉडल, साइकोलॉजिकल मॉडल एंड सोशल मॉडल। डोंट वरी, वी विल बी कवरिंग देम इन डिटेल। बस अभी हमें नाम पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल कौन से हैं और कंटेम्पररी कौन से हैं। हार्वर्ड स्टेट मॉडल कंटेम्पररी में, निकोचे मॉडल, ईकेबी मॉडल एंड ईबीएम मॉडल, ये सारे टोटल सारे मॉडल्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रेडिशनल मॉडल। ट्रेडिशनल मॉडल में सबसे पहला जो आता है वो इकोनॉमिक मॉडल है। इकोनॉमिक मॉडल पर क्या कहता है, परचेज पावर इज लिमिटेड एंड वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। तो परचेज पावर हर इंडिविजुअल की लिमिटेड है मगर वॉन्ट्स उसके अनलिमिटेड है। सो द कस्टमर विल ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी बाय कीपिंग इन माइंड द गिवन कंस्ट्रेंट, रुकावटें। कंस्ट्रेंट मतलब रुकावटें, लाइक प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये उसकी रुकावटें हैं। तो हम लोगों ने 12th के टाइम पे हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में कि वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो यहाँ पे इसी मॉडल में इसी की बात करते हैं कि कस्टमर क्या करते हैं, कंज्यूमर्स क्या करते हैं, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं विद द गिवन कंस्ट्रेंट्स। तो वो है प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लर्निंग मॉडल, लर्निंग मॉडल स्टेट्स दैट कस्टमर बिहेवियर इज डायरेक्टली लिंक्ड बाय स्ट्रॉन्ग ड्राइव्स एंड क्यूज। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो कस्टमर का बिहेवियर है वो डायरेक्टली लिंक्ड है विद स्ट्रॉन्ग ड्राइव्स एंड क्यूज। मतलब ड्राइव्स और क्यूज का मतलब होता है कि उसके डिजायर, उसकी स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए ही चाहिए, और उसके अंदर से जो उसकी रिक्वायरमेंट क्रिएट होती है दैट इज नोन विच कुड लीड टू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो एग्जाम्पल इसका होगा लाइक यू आर गोइंग इन अ मार्केट और सडनली आपको प्यास लगती है। तो जो आपको प्यास लगी है वो आपका स्ट्रॉन्ग ड्राइव है, क्यूज है, जिसकी वजह से आपने मार्केट में जाके पानी की बोतल खरीदी एक शॉप से जाके, और जब आपने पानी पिया तो उससे क्या रीइंफोर्समेंट हुई, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुई है वो बार बार आप रिपीट करेंगे, इन फ्यूचर भी जब आपको प्यास लगेगी तो आप पानी बार बार पियेंगे। तो लर्निंग मॉडल क्या कहता है कि कस्टमर का बिहेवियर किसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है, स्ट्रॉन्ग ड्राइव्स और क्यूज की वजह से, उसकी वजह से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्रिएट होता है। दिस मींस एनी एक्ट विल रिजल्ट इन रिवॉर्ड वुड लीड रिपीट एंड एनी एक्ट दैट विल बी ब्रिंग पनिशमेंट वुड बी अवॉइडेड। अगर इसकी जगह हमारे को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिले, लाइक अगर आपने बाहर से जंक फूड खाया और उसके बाद आपका स्टमक अपसेट हो गया तो दैट विल लीड टू नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड यू विल अवॉइड एनी सच एक्ट। तो लर्निंग मॉडल हमारे को यही सिखाता है कि जिस भी चीज से हमारे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है हम लर्न कर लेंगे कि उसको बार बार रिपीट करें, और जिस भी चीज से हमारे को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है तो हम उसको अवॉइड करें, रिड्यूस करें। इसके एग्जाम्पल है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड सोशल लर्निंग प्रोसेस। ये सारे मॉडल्स हैं लर्निंग मॉडल के अंदर। साइकोलॉजिकल मॉडल, साइकोलॉजिकल मॉडल वॉज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉयड एंड विच स्टेट्स दैट ह्यूमन बिहेवियर आर द आउटकम्स ऑफ थ्री फैक्टर्स। तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजिकली। वो है आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। आईडी क्या है, आईडी इज बेस्ड ऑन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ फिजिकल नीड एंड अर्ज, दिस इज नोन एज चाइल्डिश बिहेवियर। हमें जैसे बच्चे जिद करते हैं कि हमारे को ये चीज चाहिए ही चाहिए, हम इसके बिना नहीं रह सकते, तो दिस इज नोन एज आईडी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब अभी के अभी चाहिए, फिजिकल नीड या अर्ज। ईगो, इट इज रैशनल बाइंग बिहेवियर ऑफ कस्टमर वेयर ही कंपेयर्स ऑल द कंस्ट्रेंट बिफोर मेकिंग द एक्चुअल परचेज डिसीजन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कस्टमर है वो मैच्योर बिहेव करेगा, ही विल बी इन अ बेटर सिचुएशन, ही विल जज ऑल द प्रोज एंड द कॉन्स, सारे इवेल्युएट करेगा वो कि क्या उसकी अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं, उसके बाद उसके कंस्ट्रेंट्स को कंपेयर करने के बाद वो एक्चुअल डिसीजन लेगा परचेज का कि उसको खरीदूं या ना खरीदूं। दिस इज नोन एज मैच्योर बिहेवियर। एंड सुपर ईगो, दिस इज द लास्ट स्टेज।
वेदर बायर बिहेव लाइक अ सीनियर सिटीजन विद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, मतलब जैसे हमने अपने पेरेंट्स को देखा कि उनको कुछ नहीं चाहिए, उनकी सारी नीड्स पूरी हो चुकी है, दे आर फुल्ली सेटिस्फाइड, दे डोंट वांट एनीथिंग इन फर्दर, तो ये होती है पेरेंटल स्टेज, मतलब उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी है, दे आर मोर देन हैप्पी विद देयर लाइफ। तो आईडी का यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, आईडी वांट, आई वांट टू डू दैट नाउ, आईडी मींस अभी के अभी करना है। ईगो, मे बी वी कैन कॉम्प्रोमाइज, मतलब इसमें हम रैशनली थिंक करेंगे कि कॉम्प्रोमाइज, कुछ पाएंगे तो कुछ खोएंगे। एंड सुपर ईगो मींस इट्स नॉट राइट टू डू दैट, हमें करना ही नहीं चाहिए ये काम। सोशियोलॉजिकल मॉडल, सोशियोलॉजिकल मॉडल एज द नेम सजेस्ट, इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी एंड ऑल्सो ही विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, मतलब हर इंडिविजुअल सोसाइटी का एक हिस्सा है और जो सोसाइटी है उसका प्रभाव पड़ता है उस इंडिविजुअल पे कि वो क्या डिसीजन लेता है, सोसाइटी के बेसिस पे वो डिपेंड करता है। तो मार्केटियर का क्या काम है, इफेक्टिव सेगमेंटेशन, मतलब उनके प्रॉपर ग्रुप बनाने की कोशिश करता है विद कॉमन बिहेवियर पैटर्न्स, जिन लोगों के सेम बिहेवियर पैटर्न्स हैं, एंड स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ ग्रुप ऑफ बायर्स, मतलब उन लोगों को टारगेट करने के लिए उनको इफेक्टिव सेगमेंटेशन के थ्रू उन लोगों को टारगेट करेगा और उन लोगों की कॉमन नीड्स को एड्रेस करेगा। दिस इज नोन एज सोशल लॉजिकल मॉडल। कंटेम्पररी मॉडल्स पे आते हैं। कंटेम्पररी मॉडल्स वॉज गिवन बाय, देर आर फोर मॉडल्स अंडर कंटेम्पररी मॉडल। हार्वर्ड सेट मॉडल, दिस मॉडल शोज अस द रैशनल ब्रांड बिहेवियर दैट द बायर शोज व्हेन फेस्ड विद अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड लिमिटेड एबिलिटीज। ये मॉडल हमें बताता है रैशनल बाइंग बिहेवियर ऑफ कस्टमर, रैशनल बाइंग बिहेवियर मतलब कि वो बहुत अच्छे से सोच समझ के कोई डिसीजन लेगा। जब कब लेगा वो, व्हेन फेस्ड विद इन सिचुएशन इन्वॉल्विंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब कस्टमर के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है और लिमिटेड एबिलिटीज हैं उसके, तो वो उन सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा। तीन लेवल्स होते हैं उसको कम पता लगाने, फर्स्ट इज एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रूटीनाइज्ड रिस्पांस बिहेवियर। लेट्स गेट टू द पॉइंट कि ये होते क्या हैं। एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनिशियल स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग वेयर द बायर इज न्यू टू द मार्केट, ये सबसे पहली स्टेज होती है जब बायर मार्केट में न्यू होता है और उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, एंड वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड नो ब्रांड प्रेफरेंस, उसके पास ज्यादा ना इंफॉर्मेशन होती है कि एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट उसको लेना चाहिए, और ब्रांड प्रेफरेंस नहीं होती क्योंकि उसने कभी ऐसा डिसीजन पहले कभी लिया ही नहीं होता, और वो ब्रांड वो बिल्कुल नया कस्टमर होता है तो उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो वो कस्टमर इज इंफॉर्मेशन सीकर, उसको जहां से जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है वो मतलब कंज्यूम करने की कोशिश करता है वो इंफॉर्मेशन को। सेकेंड इज लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एट दिस स्टेज द बायर हैज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन, ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं होती, वेरी लिमिटेड होती है, यहाँ पे इनकम्प्लीट आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द प्रोडक्ट और ब्रांड। हियर द बायर गेट कंफ्यूज अराउंड द वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, बिकॉज उसके पास आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती है, उसको आधे प्रोडक्ट के बारे में पता होता है और आधों के नहीं पता होता, तो उसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। रूटीनाइज्ड रिस्पॉन्स बिहेवियर, हेयर द बायर इज हैबिट इन अ हैबिचुअल मैनर, मतलब उसको आदत पड़ चुकी है किसी चीज को करने की, बार बार वो डिसीजन लेता है, बार बार वो परचेज कर चुका है उस प्रोडक्ट को, वो नया नहीं है, वो पुराना कस्टमर है, तो हैबिचुअल मैनर में वो बिहेव करता है, उसमें उसके पास ही हैज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड इज कम्प्लीटली अवेयर अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स अबाउट द प्रोडक्ट, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो नेम से ही हमें पता चल रहा है कि रूटीनाइज्ड रिस्पॉन्स बिहेवियर, मतलब उसका रूटीन बन चुका है, वो बार 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 वो डिसीजन कर चुका है तो उसको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती। वेरिएबल्स अंडर हार्वर्ड सेट मॉडल, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। स्टिमुलस इनपुट वेरिएबल, इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रांड दैट द कस्टमर हैव अबाउट इट क्वालिटी डिस्टिंक्टिवनेस सर्विसेज ऑफर्ड एंड प्राइस। स्टिमुलस इनपुट का क्या मतलब हुआ कि जो इंफॉर्मेशन है ब्रांड के बारे में कस्टमर के पास, किस चीज के बारे में, ब्रांड की क्वालिटी के बारे में, उसकी डिस्टिंक्टिवनेस मतलब कितना यूनिक है, कितना डिफरेंट है फ्रॉम अदर ब्रांड्स, एंड सर्विसेज ऑफर्ड के वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है और प्राइस उसका कैसा है। हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट, इंटरनल बिहेवियर ऑफ बायर, ऑल द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कस्टमर
बाइंग बिहेवियर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो इंटरनल होते हैं, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट, यानी जो भी फैक्टर्स जो इंटरनल टू दी कस्टमर होते हैं, जो उसके दिमाग से रिलेटेड होते हैं, वो सारे फैक्टर को बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। एक्सोजीनियस वेरिएबल, एक्सोजीनियस वेरिएबल होते हैं ऑल दोज एक्सटर्नल वेरिएबल्स दैट अफेक्ट द कस्टमर बाइंग बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल सोशल क्लास एंड कल्चर। ऑल द वेरिएबल्स दैट आर एक्सटर्नल, मतलब जो बाहरी वेरिएबल जो कस्टमर बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि सोशल क्लास एंड कल्चर। जैसे हमने पीछे भी एक सोशियोलॉजिकल मॉडल पढ़ा था, उसमें जैसे हमारे को सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है, इसमें सोशल क्लास और कल्चर जैसे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जो कि कस्टमर कंज्यूमर के बाहर होते हैं। आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल इट इज रेफर्स टू द रिजल्ट ऑफ एक्चुअल परचेज डिसीजन दैट इज मेड बाय द कस्टमर व्हेन सीन विद द रिस्पॉन्स ऑफ इनपुट वेरिएबल। जो ऑल द अबव फैक्टर्स, पहले तीन हमने फैक्टर पढ़े हैं, उसके बाद जो वो परचेज डिसीजन लेता है उसको बोलते हैं आउटपुट वेरिएबल। इंजल कोलर ब्लैकवेल मॉडल, दिस मॉडल इंक्लूड्स फोर स्टेप्स: इंफॉर्मेशन इनपुट स्टेज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेज, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टेज, डिसीजन प्रोसेस स्टेज एंड वेरिएबल इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन मेकिंग। तो ये चार स्टेप्स हैं ये लर्न करने हैं। ये है इंफॉर्मेशन इनपुट स्टेज, कि मतलब हमें इंफॉर्मेशन जो मिली उसको हमने ध्यान से इनपुट लिया, उसको प्रोसेस किया। उसको प्रोसेस करने के बाद हमने डिसीजन लिया कि हमें वो लेना चाहिए या नहीं। उसके बाद वेरिएबल इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन मेकिंग, जो अदर वेरिएबल्स हैं लाइक सोशल इन्फ्लुएंस, कल्चरल रेफरेंस ग्रुप, उसको बोलते हैं वेरिएबल इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। निकोशिया मॉडल, दिस मॉडल एक्सप्लेन्स हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर अ सिस्टम ऑफ इनपुट्स। हम लोग सिस्टम ऑफ इनपुट्स है, हम लोग जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, वो हमारे सारे इनपुट्स हैं। एंड देयर बिहेवियर, जो हम जैसे बिहेव करते हैं, जैसे एक्ट करते हैं उन चीजों को सुन के, देख के और बोल के, उसको बोलते हैं आउटपुट ऑफ दो सिस्टम। दिस मीन्स दैट वट एवर द कंपनी हैज एडवर्टाइज अबाउट द प्रोडक्ट एंड बायर्स विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू दैट। जो हमारे को एडवर्टाइजमेंट दिखाई उसके अकॉर्डिंग जैसे हम बिहेव करेंगे उसको बोलेंगे आउटपुट। हमें एडवर्टाइजमेंट दिखाई, वो हमारा इनपुट, हमने जैसा बिहेव किया उसको एड को देख के, वो हमारा आउटपुट। दिस इज एक्सप्लेन बाय निकोचिया मॉडल। एंजल कोलर ब्लैकवेल मॉडल हमने कर कर लिया था पीछे। ये है EBK मॉडल। दिस मॉडल टॉक्स अबाउट फाइव स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़े थे: प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं, तो लेट्स मूव ऑन। तो लेट्स कवर द क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फोर सेट ऑफ वेरिएबल डिटरमाइंड बाय द बायर बिहेवियर एज पर हावरसेट मॉडल। तो हमने चार स्टेप्स पढ़े थे। पहली ऑप्शन है फिजिकल इनपुट वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल, एक्सोजीनियस वेरिएबल एंड आउटपुट वेरिएबल। ऑप्शन बी है पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट, परसेप्शन ऑफ कस्टमर, लर्निंग वेरिएबल ऑफ कस्टमर एंड ब्रांड वैल्यू वेरिएबल, सोशल इनपुट वेरिएबल, परचेज एटीट्यूड वेरिएबल, सिलेक्शन सिलेक्शन बिहेवियर एंड ब्रांड इफेक्ट वेरिएबल, स्टिमुलस इनपुट वेरिएबल, इंटरनल ब्रांड बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ बायर, एक्सोजीनियस वेरिएबल एंड रिस्पॉन्स आउटपुट वेरिएबल। तो इसमें हमने सेकेंड ऑप्शन को और थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना, क्योंकि हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी एंड ए में कंफ्यूजन है, तो उसमें हमने पढ़ा था जो स्टेप्स में, तो उसमें एक्सटर्नल वेरिएबल्स नहीं थे, उसमें इंटरनल बिहेवियर, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उनकी बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू: विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर बिहेवियर मॉडल विच कंसीव दैट पर्सन कस्टमर एज अ सिस्टम ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू दोज इनपुट। तो हमने पढ़ा था द थॉरनडाइट थ्योरी, नहीं ये तो नहीं पढ़ा, निकोशिया मॉडल, हाँ हो सकता है, बाइंग थ्योरी ऑफ ड्रकर, नो, कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ कस्टमर बिहेवियर, नहीं ऐसी कोई थ्योरी नहीं पढ़ी हमने। तो इसका करेक्ट आंसर है निकोशिया मॉडल। सो आज की वीडियो में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
Thank you so much.